हेलो दोस्तों, मैं हूं नितेश। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके और हमारे YouTube चैनल स्मोकिंग व्हील्स पे। फ्रेंड्स, आज हम खड़े हैं फोर्स मोटर्स की मोनोबस के सामने, जिसका कि फर्स्ट पार्ट आप देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करिए या डिस्क्रिप्शन चेक करिए। और आज हम इसका रिव्यू करेंगे सेकेंड पार्ट का। तो देखिए, यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल मिलता है और ग्रैब हैंडल की सहायता से आप गाड़ी में अंदर चढ़ सकते हैं। तो आज हम इसका इंटीरियर देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने इसका पूरा एक्सटीरियर लुक देखा था, तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि ये गाड़ी काफ़ी बाहर से काफ़ी खूबसूरत लगती है, बट अंदर से कैसी लगती है ये हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको रियर व्यू मिरर मिल जाता है और ऊपर आपको दो बॉक्स मिल जाते हैं, जिसमें अपने कुछ ज़रूरत के कागजात आप रखना चाहें, गाड़ी के पेपर्स वगैरह रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। यहाँ पे एक एलईडी लाइट मिल जाती है, पूरी एलईडी लाइट आपको पीछे तक मिलती है। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से इसको आप ओपन कर सकते हैं। हालांकि अभी ये लॉक है, तो आप यहाँ पे ओपन करके अपने डॉक्यूमेंट वगैरह कागजात वगैरह रख सकते हैं, जो कि गाड़ी के पेपर्स वगैरह हों। और दो बॉक्स मिलते हैं तो बहुत सारी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक फ़ैन मिल जाता है, जो कि ड्राइवर को गर्मियों के समय में काफ़ी सहायता रहेगा, जिससे वो हवा वगैरह ले सकते हैं। और यहाँ पे एक सनसेट मिल जाता है, जिससे अगर धूप में ड्राइवर ड्राइव कर रहे हैं तो उनके चेहरे पे धूप ना लगे, उनको आँख पे धूप ना लगे, जिससे इसकी सहायता से उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इस गाड़ी में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, इसका डैशबोर्ड जो है काफ़ी एक अलग सा डिज़ाइन है, लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा है और प्रीमियम है, एर्गोनॉमिक है, जिससे ड्राइवर अपने सीट पर बैठ करके ही सारे बटन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना होगा। ये देखिए, यहाँ पे फैन के बटन मिल जाते हैं और आपका रीजनरेशन का बटन मिल जाता है, और नीचे आपको हज़ार लाइट, 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फायर डिटेक्शन सिस्टम है उसका यूनिट लगा हुआ है। और स्टेयरिंग की बात करें तो उसमें आपको फोर स्पोक पावर स्टेयरिंग मिलता है, जिसमें आपको हॉर्न वगैरह मिल जाता है, बीच में फोर्स का लोगो मिलता है। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में जो टॉगल मिलते हैं वाइपर के एंड लाइट के, अपनी जगह पे प्लेसमेंट किए हुए हैं, जैसे कि अन्य गाड़ियों में होता है। और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसमें छोटा सा एक डिजिटल मीटर मिलता है, हालांकि इसकी बात हम अभी डिटेल में करेंगे जब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे। और स्पीडोमीटर मिल जाता है और आरपीएम मीटर मिल जाता है। और राइट साइड में आपको लाइट के बीम को कंट्रोल करने के लिए बटन मिल जाते हैं। नीचे देखिए पैडल, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन में पैडल भी दिए हुए हैं। और अब बात आती है इसके गियर लीवर की, तो इसमें आपको 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स गियर लीवर मिलता है, जो काफ़ी छोटे डिज़ाइन का है, काफ़ी कार लाइक डिज़ाइन लगती है देखने में। और ये इसका हैंड ब्रेक, यहाँ पे आपको सेफ्टी का ध्यान रखा गया है, फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है और फर्स्ट एड किट मिल जाता है, जिसको किसी भी इमरजेंसी या आपातकालीन स्थिति में आप यूज़ कर सकते हैं। ये इसका इंजन का पूरा कैबिनेट आप देख रहे हैं, जिसको आप ओपन करके कभी देखना चाहें या रिपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। और मैं अंदर से इधर की बात करूं तो यहाँ पे आप अटेंडेंट बैठेगा, अटेंडेंट बैठने की जगह मिल जाती है। ड्राइवर सीट की बात करें तो काफ़ी अच्छी सीट है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, जिससे ड्राइवर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये थ्री वे एडजस्टेबल है, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कुशनिंग काफ़ी अच्छी दी गई है और ड्राइवर को पूरी तरीके से एक अच्छा फील आए गाड़ी चलाते समय। हेडरेस्ट वगैरह इसमें दिया हुआ है और यहाँ पे इसको पार्टीशन कर दिया गया, जिससे आप चाहे तो इस नोटिस बोर्ड की तरह यूज़ करें और ड्राइवर एक सेपरेट अपने आप को सेपरेट रखेगा, तो उसको पूरा फोकस जो उसका होगा वो ड्राइविंग पे होगा। और अब हम बात करते हैं इसके सीटिंग अरेंजमेंट की, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये 41 प्लस ड्राइवर की सीटिंग अरेंजमेंट में गाड़ी आती है। और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं 2x2 की सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में है ये गाड़ी, आप देख सकते हैं बीच में अच्छा खासा गैलरी मिलता है। और इधर जो अटेंडेंट बैठेगा उसकी भी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है, पूरी तरीके से रेल की सहायता से इसको कवर कर दिया गया है। और तो जो मैं बात कर रहा था कि सीट जो है काफ़ी अच्छी हैं, हाई बैक सीट हैं, पूरा बैक सपोर्ट आपको प्रॉपर मिलता है। आप लंबे समय तक अगर जर्नी कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 2x2 सीट है, मैं काउंट कराना चाहूँगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 9 नौ रो आपको इस साइड मिल जाते हैं और 9 रो आपको इस साइड मिल जाते हैं, मतलब लेफ्ट राइट दोनों मिला करके 9 की पूरी रो है। तो 18 सीट एक तरफ 36 सीट हो जाती है और पीछे 5 सीट मिल जाती है आपको। ये इसके देखें लगेज रखने का स्पेस है, तो अगर आपके पास छोटे पीठ वाले बैग हैं या आप छोटा ट्रॉली बैग भी आप लेके चलते हैं तो आप आसानी से इसमें रख के कैरी कर सकते हैं। चलिए अब गाड़ी के पीछे चलते हैं और दिखाना चाहूँगा, गैलरी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी वाइड है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हैंडल बार है, अगर आप बैठ के खड़े हैं बस में तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ऊपर ये देखिए एलईडी लाइट पूरा पीछे तक दिया हुआ है, रात के समय में पूरी प्रॉपर विजिबिलिटी मिलेगी। और ग्रैब हैंडल भी पूरा प्रॉपर दिया हुआ है, देखिए पीछे 5 सीटों का प्लेसमेंट है, तो 36 और 5 पूरी 41 सीट हो जाती है, और ड्राइवर की सीट को लेकर के 42 सीट हो जाती है। और यहाँ पे आपको हैमर वगैरह दिया हुआ है, इमरजेंसी एग्जिट के थ्रू अगर आप कभी आपातकालीन स्थिति में निकलना चाहें तो उससे निकल सकते हैं। पीछे की सीटों पर आपको सीट बेल्ट मिल जाता है, विंडो काफ़ी वाइड हैं, बड़े हैं, तो आपको बाहर की जो विजिबिलिटी है काफ़ी अच्छी मिल जाती है। देखिए यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट लिखा हुआ है और पीछे के ग्लास पे भी इमरजेंसी एग्जिट लिखा हुआ है, यानी कि इन दोनों ग्लास को आप ब्रेक करके किसी भी आपातकालीन स्थिति में गाड़ी से बाहर निकल सकते हैं। और कैसे ऑपरेट करना है यहाँ पे मैनुअल में लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरी तरीके से स्टिकर लगाया गया है। पीछे भी आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है,
जो कि आपको एक इमरजेंसी कंडीशन में वर्क करेगा। यहाँ पे देखिए हैंडल बार यहाँ पे भी मिलता है, आप इसको पकड़ करके आसानी से गाड़ी में कभी अगर आप खड़े हैं तो झटके वगैरह ना लगें। और अगर सीट की बात करें तो सीट देखिए, सीट भी काफ़ी सेफ्टी का ध्यान रखा गया। यहाँ पे एक चिन गार्ड मिल जाता है और यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिलता है। जब आप बैठते हैं तो आपको कभी नींद आता है तो झटके वगैरह लगता है तो आपको वहाँ पे चोट ना लगे। और ये आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि एडजस्टेबल है, आप इसको एडजस्टेबल क्या कहेंगे इसको, आप कह सकते हैं कि इसको आप मूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए अंदर जाना है तो उसको ऊपर करके आप अंदर जा सकते हैं और अपने हाथों को उस पर रख सकते हैं। आर्मरेस्ट का भी काम करेगा आपके लिए अच्छा खासा बाहर की तरफ जो बैठा होगा। तो सीटिंग की बात हम करें तो मैं काउंट करा दूं आपको। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सीट है हाई बैक सीट है, ये दो हो गया, ये तीन हो गया और ये आपका चार, पाँच, छः, सात और आपका ये आठवां हो गया और ये नौवां हो गया। तो यानी नौ सीट और दो सीटिंग अरेंजमेंट है तो नौ दोनों अठारह हो गया आपका। सेम इसी तरीके से इधर का भी अगर आप काउंट करेंगे तो इधर भी आपको नौ रो मिल जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं, फिजिकली देख सकते हैं गाड़ी में कितनी सीट कैसे लगी हुई है। हाई बैक सीट है तो 9 और 9 यानी कि 18 एक तरफ हो गए, 18 एक तरफ हो गए तो 36 सीट ये हो गई और 5 सीट आपकी पीछे मिल जाती है, 41 सीट हो जाती है। साथ में एक ड्राइवर मिल जाता है जिस वजह से इसको हम 41 प्लस ड्राइवर बोलते हैं। तो मैंने सीटिंग आपको प्रॉपर तरीके से दिखाया, दो बार दिखा दिया काउंट करके। और ऊपर का मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आपको एग्जिट करने के लिए इमरजेंसी कंडीशन में आपको मिल जाता है और इसको कैसे ओपन करना है, इसको हम रूफ हैच बोलते हैं। इसमें पुश करेंगे तो ओपन हो जाएगा और पुल करेंगे तो इसको आप क्लोज कर सकते हैं। ये वेंटिलेशन का भी काम करता है और आप इमरजेंसी कंडीशन में आप इससे बाहर भी निकल सकते हैं। और आगे और पीछे जो बसें लंबी होती हैं, लग्जरी बसें होती हैं, उसमें फ्रंट एंड रियर दोनों साइड में ऊपर रूफ पे आपको देखने को मिलता है। सेम कंपनी ने भी यहाँ ध्यान रखा है, फोर्स मोटर्स ने भी ध्यान रखा है। फोर्स मोटर्स की ये पहली बस है जो कि इतनी बड़ी होने के बाद भी मोनोकॉक पैटर्न पर बनी है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें सेफ्टी और लग्जरी का काफ़ी ध्यान रखा है कंपनी ने। तो बस कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और अगर ये बस पसंद आ रही तो आप नज़दीकी डीलरशिप पे जा करके फोर्स मोटर्स के आप इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं और प्राइसिंग के बारे में भी पता कर सकते हैं। और नीचे देखिए यहाँ पे इंजन अगर कभी आप ऑपरेट करना चाहते हैं या गियरबॉक्स वगैरह चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे नीचे से फ्लोर पर से इसको खोल के देख सकते हैं आप। तो बस इंटीरियर में यही सब था, पूरी सीटिंग मैंने आपको दिखा दी, ड्राइवर का पूरा डैशबोर्ड दिखा दिया। और अब हम इसके बाहर चलेंगे और ड्राइवर साइड से जा करके हम देखेंगे कि गाड़ी के सीट ड्राइवर सीट पे बैठ के कैसा लगता है। सबसे पहले हम इसका डोर दिखा देते हैं बाहर निकलने से पहले। तो देखिए इस तरीके से आप बंद कर सकते हैं, जैक नाइफ डोर है और प्रॉपर बंद कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको पूरा बंद करें अंदर से या तो इतने पे ही इसको छोड़ दें, ये मूव नहीं करेगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया, अच्छे तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग की गई है। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं बता रहा था आपको कि अगर आप इस बस को लेना चाहते हैं, इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं, किसी भी नज़दीकी फोर्स मोटर्स की डीलरशिप पे जाइए और जा करके इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं आप। अब चलिए हम बाहर चलते हैं और बाहर निकलने के बाद सेम आप इसकी डोर को इस तरीके से ओपन करिए और इसका बीच में जो है ग्रैब हैंडल है इसको पकड़ के आप खींच लीजिए तो ये बंद हो जाएगा। बस इतना ही था अंदर बताने के लिए। अब चलिए ड्राइवर साइड से हम देखते हैं गाड़ी ड्राइवर साइड से कैसी है। ड्राइवर साइड से देखने का मतलब ये है कि हम ड्राइवर की सीट पे बैठ के देखना चाहते हैं कि बैठने के बाद कैसा लगता है। तो उसके पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ड्राइवर साइड का जो डोर है वो कैसा है। तो देखिए यहाँ पे पूरा ब्लैक फिनिश में दिया हुआ है, ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन आपको पूरी बस में देखने को मिलेगा। वाइट विंडो मिलता है ड्राइवर साइड का भी और नीचे पैर रखने के लिए जगह है जिससे आसानी से ड्राइवर चढ़ सकता है। ड्राइवर के डोर में आपको बॉटल रखने के लिए जगह मिल जाता है और इसका जो विंडो है वो भी स्लाइडिंग है, अगर उसको वेंटिलेशन हवा वगैरह लेना है तो उसको वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर दिया हुआ है और ये लॉक हो जाता है। यहाँ देखिए यहाँ पे बॉटल रख सकता है, कुछ न्यूज़पेपर वगैरह या मैगजीन वगैरह रख सकता है, थोड़ा बहुत जगह यहाँ दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको बेज कलर मिलता है, ये देखिए पैर रखने के लिए दो दो जगह मिल जाते हैं। और मैं जैसा कि बात कर रहा था जो सीट है ड्राइवर की काफ़ी कंफर्टेबल है और थ्री वे एडजस्टेबल है, आप इसको अपने हिसाब से अपने हाइट के हिसाब से अपने फिजिक के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस चलिए अब अंदर चलते हैं और ड्राइवर की सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करते हैं और गाड़ी का जो साउंड है उसको सुनने की कोशिश करते हैं। तो मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ देखिए दो फुट स्टेप मिल जाते हैं आपको जिससे आसानी से आप ग्रैब हैंडल को पकड़ करके बस में आराम से चढ़ जाएंगे। तो अब हम आ गए ड्राइवर की सीट पे और डोर करते हैं क्लोज। और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ से प्रॉपर, ये देखिए इसका स्पीडोमीटर और इसका स्टेयरिंग व्हील जिसमें बीच में फोर्स का लोगो मिलता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, आरपीएम मीटर मिल जाता है, छोटा सा एक डिजिटल मीटर भी मिलता है जिसमें कुछ सारे इंडिकेशन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका की कैसा है, अगर हम की आपको दिखाएं तो की अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको की दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिए की यहाँ पे लगा हुआ है, इसको हम निकाल लेते हैं, सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं, आपको दिखाना चाहूँगा।
कुछ इस तरीके का इसका की मिलता है, इस पर आपको फोर्थ की बैरिंग मिल जाती है। और ये आप देख सकते हैं जो ये स्क्वायर शेप में की है, ये आपका बाहर वोनर का की था, आपने देखा होगा पहले वीडियो में, पहला वीडियो जरूर आप चेक करिए। चलिए अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और इसका साउंड सुनते हैं कि साउंड कैसा है, क्योंकि साउंड सुनना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए अब गाड़ी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, की को मैंने लगा दिया है, ये देखिए गाड़ी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और जैसे ही स्टार्ट किया आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेशन मिल गया आपको, ABS का इंडिकेशन मिलता है और बहुत सारी इंडिकेशन और मिल जाते हैं, सीट बेल्ट का इंडिकेशन मिलता है। और यहाँ राइट साइड में जो आपको डिजिटल मीटर मिलता है, यहाँ पे फ्यूल इंडिकेट कर रहा है, क्लॉक वगैरह दिया हुआ है, तो अच्छा खासा एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। बड़ा सा स्पीडो मीटर मिलता है, आरपीएम मीटर आपको लेफ्ट साइड में मिल जाता है, देखिए सीट बेल्ट इंडिकेट कर रहा है, ABS इंडिकेट कर रहा है। तो आपको मैनुअल पढ़ना होगा, मैनुअल देख करके आप ये समझ सकते हैं कि पूरे डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें आपको इंडिकेट कर रही हैं, वो आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। और ये यहाँ पे आपको हॉर्न का कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे आप प्रेस करेंगे, ये देखिए तो यहाँ से आप हॉर्न वगैरह ऑपरेट कर सकते हैं। तो स्टीयरिंग सिस्टम ये दिया हुआ है। और ये जो है ये आपका बैटरी कट ऑफ स्विच है, अगर आप यहाँ से कट कर देंगे तो पूरी गाड़ी का पावर सप्लाई कट हो जाएगा। बस गाड़ी बंद कर देते हैं। और बस यही था, छोटा सा रिव्यू था, वीडियो काफ़ी लंबा होता है इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में बनाया। पहले पार्ट में मैंने पूरा आपको एक्सटीरियर दिखाया और दूसरे पार्ट में मैं इसका इंटीरियर दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए वार्निंग दिया हुआ है, टू प्रिटेंड बैटरी डिस्चार्ज, टर्न ऑफ बैटरी कट ऑफ स्विच। तो यहाँ से इसको आप टर्न ऑफ कर देंगे, कहीं पार्किंग करते हैं गाड़ी तो लंबे समय के लिए अगर पार्क करते हैं तो आप यहाँ से कट ऑफ कर दीजिए, जिससे आपकी बैटरी सेफ रहेगी। तो बस अब चलिए गाड़ी के बाहर चलते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए। आप लाइक करते हैं तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं इसी तरीके के और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, कैसी लगी ये गाड़ी, और ये इसका सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट आप जाकर के चेक करिए, पूरा बाहर के बारे में मैंने बताया, इंजन के बारे में बताया, और ये सेकंड पार्ट इंटीरियर के बारे में मैंने कंप्लीट आपको बता दिया। तो बस आज के लिए इतना ही, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप मेरा काम पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे किसी दूसरी गाड़ी के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।